कितने सिजेरियन सेक्शन एक महिला करा सकती है, क्या मैक्सिमम नंबर है, क्या रिस्क बढ़ता जाता है हर एक नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शन के साथ, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हिना, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एट अपोलो क्लिनिक एंड CHD सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। देखिए, ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिजेरियन हम कितना कर सकते हैं उसको एक लिमिट लगा के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 5 या 7 सिजेरियन सेक्शन भी हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको एक सिजेरियन सेक्शन के बाद ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड इसको हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। हर पेशेंट के हिसाब से हमें अलग क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं कि हाँ, ये पेशेंट का हम नेक्स्ट सिजेरियन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यूजुअली सिजेरियन का देखिए पहले इंसिडेंस होता था कोई 15% के आसपास, फिर धीरे धीरे 25% हुआ। आजकल जो हम देख रहे हैं अराउंड 50% जो है सिजेरियन सेक्शन का इंसिडेंस है। कुछ इंक्रीज होने का कारण ये भी है कि थोड़ी मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी बहुत फीटल रिस्क भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उस वजह से सिजेरियन सेक्शन का रेट भी है वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। हम जितनी बार भी कोई भी सर्जरी कराते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर एडिशंस बनने की या आपस में चिपकने की, कई बार जो हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है वही चिपकती है, इंटेस्टाइन्स चिपक जाते हैं, ओमेंटम चिपक जाता है, तो ये जितनी बार भी हम दोबारा सर्जरी करते हैं तो उतना ऑपरेटिव टाइम भी बढ़ता है और आसपास के स्ट्रक्चर्स को इंजरी होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। मोस्टली सिजेरियन में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी इंजरी होने के चांसेस काफी बढ़ते जाते हैं जितने नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस बढ़ते जाते हैं। उसके अलावा देखिए, जब भी हम सिजेरियन करते हैं तो यूट्रस के अंदर हमने एक स्कार दिया होता है, एक इंसीजन दिया होता है, वो इंसीजन जो होता है उसको हम फिर स्टिच करते हैं, वो स्टिचेस हील होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस एरिया के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाती है। अब जितने नंबर ऑफ सिजेरियंस होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो जो जैसे बेबी ग्रो करता है, बड़ा होता है, टर्म के पास जाता है, तो वो जो एरिया है वो वीक होता जाता है। जब वो एरिया वीक होता है तो उसके रप्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर यूट्राइन रप्चर हो जाए तो उस केस में मदर को काफी रिस्क रहता है उस चीज का। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो जो स्कार एरिया होता है उसके पास चिपकना, वहां ग्रो करना शुरू कर देता है। इसको हम एक्रीटा या इनक्रीटा, जो कि यूट्रस की वॉल के अंदर इन्वेड कर जाता है, उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर जाता है या बाहर आके ब्लैडर के अंदर भी ग्रो करना शुरू कर जाता है, तो वो कंडीशन जो होती है, और प्लस ये लो लाइंग प्लेसेंटा हो जाता है कि नीचे की तरफ है, तो इससे क्या होता है कि जब भी हम नेक्स्ट सिजेरियन करते हैं उस प्रेगनेंसी में तो ब्लीडिंग के काफ़ी चांसेस होते हैं, PPH के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का रिस्क बढ़ जाता है, और कई बारी हमें ऐसे पेशेंट्स में ऑन टेबल अगर ब्लीडिंग नहीं रुके, हमने सब मेथड्स इस्तेमाल कर लिए हैं लाइफ सेव करने के लिए, हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो ये तो सारे रिस्क हुए जो कि हम नंबर ऑफ सिजेरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके साथ ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बढ़ती जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर किस तरह रहा। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी के अंदर मैं कहूँ कि हमारे कुछ वूंड में कॉम्प्लिकेशंस आए थे, हमारे स्टिचेस हील नहीं हुए या स्टिचेस खुल गए थे, कितनी देर की आपकी हॉस्पिटलाइजेशन थी, कोई ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हुई थी या आसपास का कोई स्ट्रक्चर इंजरी तो नहीं हुई थी, या कई लोगों के अंदर हर्निया डेवलप हो जाता है, जितने नंबर ऑफ सिजेरियंस होते जाते हैं, सपोज किसी के 2 से ज़्यादा सिजेरियन है तो उनके अंदर 3 गुना ज़्यादा हर्निया होने के चांसेस होते हैं, या किसी के 6 से ज़्यादा सिजेरियन है तो उनको 6 टाइम ज़्यादा रिस्क हो जाता है हर्निया होने का। आपके यूट्रस पर कैसा इंसीजन दिया गया था, कई बार वर्टिकल इंसीजन देते हैं, ऐसे केसेस के अंदर हम बहुत इजीली डिसीजन नहीं लेते नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सिजेरियन करने का, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं काउंट होते हैं। आपकी प्रेगनेंसी अगर हाई रिस्क है अभी तो ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं कि हाँ, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हम सिजेरियन का रिस्क लेंगे या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मैं कहूँगी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, लो रिस्क प्रेगनेंसी है, पहले कोई दिक्कत नहीं आई है, प्रीवियस आपका सिजेरियन अनइवेंटफुल गया है, रिकवरी अच्छी थी, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इन केसेस के अंदर हम नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आराम से सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। अगर एक स्टैंडर्ड फिगर ऐसे मुझे बोलना हो कि सेफ साइड के लिए, तो ये आई वुड से कि 3 सिजेरियंस हैं जो काफ़ी सेफ हैं, 3 तक हम बड़े आराम से कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड रिस्क काफ़ी हद तक विद ईच पासिंग सिजेरियन सेक्शन, ईच पासिंग सर्जरी रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। थैंक यू। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।